नमस्कार साथियों, समाधान के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग मधवाड़ी पंचायत में हैं और आज के इस विशेष कार्यक्रम में विकास की बात मुखिया जी के साथ कार्यक्रम में आज हम लोगों के साथ हैं मधवाड़ी पंचायत के प्रभारी मुखिया श्रीमती सोनी देवी जी। और आज इनसे जानेंगे कि किस तरीके की समस्याएँ मधवाड़ी पंचायत के अंतर्गत बनी हुई हैं और किस तरीके का विकास इनके कार्यकाल में हुआ है। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी आपका हमारे YouTube चैनल पे, सभी दर्शक आपको देख रहे हैं। और आपसे जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में आप पंचायत सचिव को लेकर आवेदन दिए थे प्रखंड विकास पदाधिकारी को, क्यों दिए थे आप आवेदन, क्या मामला है? वही सर, मतलब बोलता है कि ये करेंगे वो करेंगे, फंसा देंगे, तो आपका पति को फंसा देंगे, पत्नी को फंसा देंगे जी, वही कारण से हम दिए। तो क्या वो समय कभी पंचायत मतलब टाइम से कभी आता नहीं है जी, वही आता है 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, कभी आते नहीं, कभी आते नहीं, 3 बजे, कभी मतलब टाइम पर मतलब पंचायत घुसते नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप जब आवेदन दिए तो BDO साहब क्या बोले? बोला होगा मेरा थी। अच्छा अच्छा, आपके प्रतिनिधि को बोले कि आश्वासन मिला है कि उस पर कार्रवाई होगा जी। जी, आपसे अब जानना चाहते हैं मुखिया जी कि आपके पंचायत में जो शौचालय है, आपके कार्यकाल में शौचालय बने हैं या इससे पहले बने थे? नहीं सर, मेरा मतलब पावर मिला ना जी, तो ये मतलब बनवाए हैं। अच्छा अच्छा, मेरा बनवाए नहीं। अच्छा, आप बनवाए नहीं है जी, जी। जब से आपको आपको कार्यकाल कितने साल पहले मिला है? वही एक डेढ़ साल के बाद मिला है। तो वैसे मैं आप अपने कार्यकाल में क्या क्या विकास की हैं, क्या क्या बनवाए हैं? बनवाए कुआं, बनवाए जी, रोड बनवाए जी, बकरी सेट बनवाए जी, मुर्गी सेट बनवाए। अच्छा, ये सब चीजें डोभा भी किए, डोभा भी किए हैं। तो डोभा जो किए हैं वो मनरेगा के तहत बना था या चौधरी वित्त बना है? नहीं, चौधरी नहीं, मनरेगा से बना। तो मनरेगा में क्या मजदूर काम करते थे या फिर मशीन काम करता था? नहीं, मशीन नहीं था। अच्छा अच्छा, मजदूर काम करते थे जी। आपसे जानना चाहते हैं मुखिया जी कि अभी आपके पंचायत में आवास जो है प्रधानमंत्री आवास, वो आपके कार्यकाल में बने हैं? हाँ, बनता है सर जी। ऐसे अच्छा, बहुत से लोग होंगे जिनका आवास जो है कहीं ना कहीं उनका सूची में नाम नहीं था, नहीं। उसके लिए आप कुछ पहल किए हैं? हाँ, भरे हुए जी, भरे हैं जी, अभी बन रहा है मतलब जी, उन लोग का आ जाएगा। हाँ, पेंशन आपके यहाँ लोगों को मिल रहा है? हाँ सर, मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। भरवाएं, जिसको जिसको नहीं मिल रहा है जी, उसको भरवाएं, उसका भरवाएं जी सर जी। आपसे जानना चाहते हैं आपके पंचायत के अंतर्गत जो विद्यालय है वो उसकी क्या स्थिति है, वहाँ क्या बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब ठीक है, पढ़ रही हूँ अच्छा से जी। शिक्षक है, शिक्षकों की कमी है क्या? नहीं, कुछ कमी नहीं, कमी नहीं। आप पहले कमी था जी, मेरा पावर आया वहाँ बोले जी, ठीक चल रहा है। आप स्कूल देखने के लिए जाती हैं, जांच में कभी कभी? हाँ, कभी कभी जाते हैं जी, कभी कभी जाते हैं जी। आपके पंचायत में जो शौचालय है उसका उपयोग हो रहा है? हाँ, लोग उपयोग कर रहे हैं? हाँ, सब लोग कर रहे हैं। आप जागरूक करती हैं लोगों को जा जाके कि शौचालय का उपयोग करना चाहिए? हाँ, सब कुछ करते हैं सर, सब कोई करते हैं जी। आपसे जानना चाहते हैं मुखिया जी की किसानों के लिए आपने कुछ पहल किया है, उसके सिंचाई के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं उसके लिए, कुआं का निर्माण या फिर तालाब का निर्माण जिससे सिंचाई हो सके? हाँ सर, कर रहे हैं सर जी, किए हैं जी सर। तो किसान उसे फायदा ले रहे हैं? हाँ, फायदा ले रहे हैं सर, हम यहाँ करवाए तो मतलब ले रहा है जी, अगल बगल में कुआं खेत है जी, वो धान पटवाए हैं सर जी। PCC भी आप बनवाई है? हाँ सर, ये वाला बनवाए हैं, लंबे नहीं है जी जी, लंबे वाला वही बनवाए हैं जी। अच्छा, और भी ऐसे गली हैं जहाँ PCC बनना चाहिए, ऐसे में आपको लगता है कि आपके पंचायत में बहुत सारा PCC छूट गया है जो बनना चाहिए? अभी बहुत छूटा हुआ है सर, बहुत छूटा हुआ है, काम चल रहा है? हाँ, काम तो चल रहा है सर, काम चल रहा है जी। आप कुछ सरकार से मांग करना चाहेंगी जो आपके पंचायत के अंतर्गत अभी नहीं हुआ है और बार बार आप आवेदन दे रही हैं, ऐसा कुछ है? वैसा नहीं है, पंचायत सचिव का शिकायत है आपका? हाँ, वही है शिकायत, उस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? हाँ सर, होना चाहिए जी। कभी मेरा पंचायत मतलब 10 बजे 11 बजे कभी घुसते नहीं है, घुसते नहीं है, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 2:30, इसने मतलब जी 8 घंटा रहे तुरते उधर निकल कर चल जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे में आपने कभी जो जो आपके जना बृहस्पति था सर जी,
उस दिन मतलब 8 सदस्य बैठे हैं, मेट वाला बैठे हैं, जी हम ही वहीं थे जी। वो फोन किया, मेरा 8 सदस्य फोन किए चुन्नू जी, एक नंबर वार्ड जी, तो बात किए, तो वो गाली पूरा एकदम गंदा पूरा गाली दिए वो जी, पंचायत सेवक जो है जी जी, पंचायत सेवक जो आपके हैं। हाँ पूरा मतलब इतना गंदा गाली दिए बोल नहीं सकेंगे। अच्छा अच्छा, तो वैसे में कहीं ना कहीं विकास जो है सो रुका हुआ है उसके कारण। जी सर जी, आपके जो पंचायत के अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं उसके लिए आप बैठक करती हैं जो अपने वार्ड? हाँ सर बैठते हैं, हर बृहस्पति के बैठते हैं, हर बृहस्पति को बैठते हैं। उसमें शिकायत किए थे पंचायत सचिव के बारे में? हाँ वही वही दिन किए थे, उसी दिन किए थे। जी सर जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे मधुवाड़ी पंचायत की प्रभारी मुखिया श्रीमती सोनी कुमार देवी जी, और इनका कहना है कि इनके पंचायत में कहीं ना कहीं अभी जो पंचायत सचिव हैं, जो पंचायत सेवक हैं, वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे हैं, और इसके लिए एक लिखित आवेदन यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिया गया है। अब देखना ये होगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कब इस पे कार्रवाई करते हैं, ताकि मधुवाड़ी पंचायत की जो विकास की गति है उसमें तेजी आ सके। बने रहिए समाधान के यूट्यूब चैनल के साथ, आपको अपडेट मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।